नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई मुकाबला जो कि भारतीय टीम ने जीत लिया शानदार प्रदर्शन करते हुए। महेंद्र सिंह धोनी 55 रनों की पारी और विराट कोहली के शानदार शतक के बदौलत भारतीय टीम ने दूसरा मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया और इस के साथ ही सीरीज में एक बार फिर से एक एक की बराबरी कर ली है। अब इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा 18 तारीख को जो कि सुबह भारतीय समय अनुसार 7:50 पर खेला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ओडीआई मैच की, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन से चेंजेस भारतीय टीम की तरफ से हो सकते हैं? तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और शिखर धवन। दोनों ने हालांकि दूसरे ओडीआई मैच में शुरुआत अच्छी थी लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। शुरुआत के बाद खुद अच्छी स्टार्ट मिल गई थी इनको लेकिन इसके बाद इसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और आउट हो गए। जहां पर शिखर धवन 32 रन बनाकर आउट हुए वहीं पर रोहित शर्मा 43 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद यहां पर मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। यहां पर नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली जिन्होंने शानदार शतक जमाया था इस मैच में और भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने और अपने वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल ओडीआई का इन्होंने 39वां शतक जड़ा। अब इसके बाद बात करें हम यहाँ पर तो आते हैं इनके बाद नंबर 4 पर अंबाती रायडू उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए थे लेकिन इन्हें मौका मिलेगा यहाँ पर नंबर 4 पर और बल्लेबाजी करने का। देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इस आखिरी ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं पर नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले 2 मैचों में शानदार 2 और शतक जमाए और दूसरे ओडीआई मैच में जीत के लिए जो अहम पारी खेली उन्होंने 55 रनों की और शानदार पारी खेली और इस जिसके चलते भारतीय टीम ने दूसरा ओडीआई मुकाबला जीता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखेंगे दिनेश कार्तिक जिन्होंने दूसरे ओडीआई मैच में इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया था और तेज आक्रामक पारी खेली, छोटी लेकिन शानदार आक्रामक पारी थी जिस तरह से अंतिम ओवरों में इन्हें जरूरत थी इस पारी की। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नंबर 7 की, तो यहाँ पर आते हैं रविंद्र जडेजा। शानदार ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, भी गेंदबाजी और फील्डिंग से शानदार कमाल दिखाते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर उम्मीद करते हैं दूसरे आखिरी ओडीआई मैच में भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाए भारत के लिए। अब गेंदबाजों की बात करें प्रॉपर तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर आखिरी ओडीआई मैच में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव। शानदार गेंदबाज है कुलदीप यादव, चाइना मैन, और इनके साथ होंगे यहाँ पर या तो फिर युजवेंद्र चहल हो सकते हैं या फिर एक बार फिर मोहम्मद सिराज को यहाँ पर मौका दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहला ही मैच खेला था, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन यहाँ पर मौका मिल सकता है। और इसके बाद देखें तो यहाँ पर आते हैं मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और मोहम्मद शमी के साथ भुवनेश्वर कुमार दोनों शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, तो यही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है एक बार फिर जिसे आप एक बार फिर स्क्रीन पर देख सकते। तो भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आएंगे ओपनिंग में रोहित शर्मा, शिखर धवन और उनके बाद विराट कोहली कैप्टन, अंबाती रायडू, MS धोनी, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और या फिर यजवेंद्र चहल, दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, तो हमारी तरफ से यही प्लेइंग 11 है और लगभग यही प्लेइंग 11 खेलने वाली है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा खिलाड़ी इस टीम में खेलना चाहिए और कौन सा नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप सभी का।